आपने भी हाल ही में देखा होगा कि एक लड़की जो है वो अपना जो है वो प्राइवेट पार्ट को शेयर करी थी और वो जो है इतना ज़्यादा वायरल हो गई है कि उसके नाम से इतने सारे पेज बन गए हैं। आप लोग अगर जहाँ भी सर्च करोगे तो गुनगुन गुप्ता आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब जहाँ पे मैं यहाँ पे भी अगर जाऊँ तो यहाँ पे देखो वीडियो में मैं जाता हूँ, अगर रील्स में जाता हूँ तो देखोगे कि दो तीन बार अगर ऊपर यहाँ पे देखोगे, देखो फ्रेंड्स मैं जैसे ही गया यहाँ पे तो देखो कि ये लड़की इतना ज़्यादा वायरल हो गई है, इतना ये ऐसा काम ही ऐसा कर दी है कि सभी लोग इसके वीडियो को ऑटोमेटिक यहाँ पे शेयर करते हैं, ऑटोमेटिक ये वायरल होती रही है। अभी तक ये लड़की इतना ज़्यादा वायरल हो गई है कि बिना सोचे समझे लोग इतना इसको शेयर कर रहे हैं। देखो कि यही है कि सोशल मीडिया का यही दोष है कि सोशल मीडिया पर जब आप एक बार नेगेटिव तरफ से वायरल हो जाते हो तो आपका पूरा का पूरा करियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसी में मैंने देखा कि इसी लड़की का वीडियो को यूज करके बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके वीडियो को, हालांकि पूरा का पूरा वीडियो सभी ने शेयर नहीं किया लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो पूरा का पूरा ही वीडियो शेयर कर दिया। तो ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि इसके नाम से बहुत सारे लोग अपना पेज को ग्रो कर लिए, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा। और इसका जो इंस्टाग्राम पे जो है बहुत सारे फॉलोवर्स थे, लगभग 6 मिलियन फॉलोवर्स थे। सुनने में आया है कि उसका वो अकाउंट भी चला गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो देखो अगर आप लोग शॉर्ट फीड में वर्क करते हो, अपना खुद का सेल्फ कंटेंट बनाते हो, तो सेल्फ कंटेंट में क्या होता है कि आप लोग अपना खुद का जेन्युइन कंटेंट बनाया करें। ऑनलाइन की दुनिया में आप अपना कैमरा पर जो है इसी तरह से कभी भी ना आए, क्योंकि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो से मेरा मेन मकसद यही कहना था कि आप लोग अपना जो है सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, अपना जो है कैमरा के सामने उतना ज़्यादा प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करने में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं कॉपी पेस्टेड कंटेंट से कैसे अर्निंग करी जाती है इसी टॉपिक से रिलेटेड अपने इस चैनल पर बात करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के मेन मकसद मेरा वीडियो बनाने का यही था कि इसका वीडियो अगर आपको जहाँ भी दिखे उसका वीडियो शेयर वगैरह ना किया करो, क्योंकि जिसका वो वीडियो होगा वो भी किसी का सिस्टर होगी, तो इसी तरह से उसका जो हेल्प करो कि उसका वीडियो जहाँ पे देखो डिलीट करवा दो उसके वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में यही एक इन्फॉर्मेशन देना था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऑनलाइन अर्निंग से इंटरेस्ट रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।